और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर सुनवाई भी चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। जहांगीरपुरी मामले में सुनवाई अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और कपिल सिब्बल की ओर से दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण बुलडोजर से गिरते हैं और साथ ही दोनों समुदायों पर कार्रवाई हुई है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर। कल ही आपको बता दें कि यहाँ स्टे लगा दिया गया था बुलडोजर पर, उसके बाद कार्रवाई थाम दी गई थी। उसके बाद जो यथास्थिति बनी रहने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब भी लगातार जारी है, दोनों ही ओर से दलीलें दी जा रही है और विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि कल वहां पर चुन चुन कर निशाना बनाया गया और खासतौर से एक समुदाय के लोगों के हर तोड़े गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड सामने है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसी बात नहीं है। वहां पर दोनों ही समुदाय के जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया। इसके बाद जमीयता उलमा हिंद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वो सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करना चाहेंगे, पूरे देश में इस तरीके का माहौल बन रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने खास तौर पर एक समुदाय की बात की थी जो पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। नंदा करार जो सीपीआई की सीपीएम की नेता है, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने ये कहा, आज उनके वकील ने उनकी तरफ से कहा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि यथास्थिति को कायम किया जाए और बुलडोजर पर रोक लगाने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है, तो उसके बाद भी एमसीडी के अधिकारी वहां पर बुलडोजर चलाते हैं, आदेश उनके पास नहीं आया है, तो एक तरह से उन्होंने अदालत की अवमानना की। अभी मामले की सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम चीजों को देखेगा। हालांकि एक जो बड़ी चीज दिखाई दी सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि बुलडोजर चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वो एक सीधा आदेश इस तरीके का नहीं दे सकते, लेकिन ये देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। तो अभी मामले की सुनवाई जारी है, कुछ देर बाद हो सकता है कि जब सुनवाई पूरी होगी तो कोर्ट का आदेश सामने आएगा। जी, और उसी का इंतजार भी है कि आखिर कोर्ट आदेश में क्या कुछ कहता है। हालांकि कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल लगातार जारी है और कल ही बुलडोजर, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी नगर निगम द्वारा, वहां पर कई सारे अवैध अतिक्रमण जो सड़क के आसपास थे उनको ध्वस्त किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसमें स्टे लगा दिया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि कल यानी कि आज सुनवाई होगी। और फिलहाल सुनवाई इस वक्त जारी है, लगातार दोनों ही ओर से दलीलें दी जा रही हैं और ये कहा गया है जमीयत के जो वकील है कपिल सिब्बल, उनकी ओर से कहा गया है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो रिकॉर्ड्स उनके पास है उसके हिसाब से एक ही समुदाय पर किसी भी तरीके का कोई टारगेट नहीं है। तो ऐसे में लगातार विक्रांत यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, तो क्या आदेश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या फैसला लिया जाएगा, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, एमसीडी का इस मामले में जो दलील है, सबसे बड़ी एमसीडी की दलील है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था कि जितने भी अवैध निर्माण है उनको हटाया जाए। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है, उसका हवाला भी दिया है एमसीडी की तरफ से, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये ड्राइव अचानक से शुरू नहीं की गई है बल्कि इससे पहले भी उस इलाके में ड्राइव की गई थी और अलग अलग ब्लॉक्स में की जा रही थी। अब चूंकि ये इस इलाके में की गई है तो अचानक से ये कहना कि किसी को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है ठीक नहीं होगा, ये एमसीडी की तरफ से दलील है। और कल भी जिस तरीके से एमसीडी के अधिकारी अपना अवैध निर्माण तोड़ रहे थे तो उनका यही कहना था कि जो इलाके में अवैध निर्माण किए गए हैं, जो सरकारी जमीन पर कब्जा है, उन्हें हटाया जा रहा है। जी,